हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने नाइट्रीन स्टार्ट किया था। नाइट्रीन जो इंटरमीडिएट्स हम पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म में, आज हम नाइट्रीन बनाने के मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम एजाइड से नाइट्रीन बनाएंगे। इस विधि में एजाइड RnH2, ये एजाइड है, इसको गर्म करने पर एल्किल नाइट्राइल बनता है और साथ में नाइट्रोजन निकलती है। तो ये जो बना है ये हमारा मध्यवर्ती है जिसे हम नाइट्रीन कहते हैं। दूसरा मेथड है, अब इस ये ऐसा एक एजाइल है, इससे भी हमने अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में नाइट्रोजन निकालकर ये जो बना जिसपे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये, इसे हम नाइट्रीन कहते हैं। ये मध्यवर्ती के रूप में काम आता है। दूसरी विधि है इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल से बनाने की। हाइड्रोजोइक अम्ल जो है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल प्रकाशीय अपघटन के द्वारा ये नाइट्रीन बनता है, जो विलायक टालुइन के साथ शीघ्र अभिक्रिया करके पैरा टालुडेट बनाता है। तीसरी विधि है कि आइसोसाइनेट, लिया आपने उसको भी आपने अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में रखने पर एल्किल नाइट्राइल आपको प्राप्त होता है। तो ये मध्यवर्ती है एल्किल नाइट्राइल। तो इस तरह से हम इन तीन विधि से, एजाइड से, हाइड्रोजोइक एसिड से और एल्किल आइसोसाइनेट से नाइट्राइल बनाते हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रीन की अभिक्रिया, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। सबसे पहले डाइमराइजेशन, दो नाइट्रीन मिलकर ये डाइमराइजेशन विलीकरण के द्वारा डाइमराइज डायजो कंपाउंड बनाया। हाफ मैन हाफ ब्रोमाइड के साथ ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया करने पर, इसको हम हाफ मैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ये अमीन में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कि यहाँ पर हमने जो कंपाउंड लिया था उसमें दो कार्बन थे लेकिन एक कम कार्बन वाला अमीन बनता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एसिटोअमाइड की ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर एन ब्रोमोअमाइड और HBr बनता है। एन ब्रोमो एसीटेट एमाइड से HBr निकालने पर ये नाइट्रीन बना। अब इस नाइट्रीन का जो मिथाइल समूह है ये इधर से स्थानांतरित होकर इस तरफ आ जाता है नाइट्रोजन की तरफ, तो ये नाइट्रोजन की तरफ मिथाइल समूह आ गया और ये CO, तो ये मिथाइल क्या हो गया, ये सूत्र के अंदर ही स्थानांतरण हुआ है, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट बना। अब मिथाइल आइसोसाइनेट की KOH के साथ ये मिथाइल अमीन बना। तो इस तरह से डाइमराइजेशन द्वारा ये पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी, जिसमें हमने हाफमैन हाइपोब्रोमाइड से मिथाइल अमीन बनाया है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से मध्यवर्ती है। इसके बाद हम अगला मध्यवर्ती देखेंगे, बेंजाइन। एराइन भी बोलते हैं इसको और बेंजाइन भी बोलते हैं। बेंजाइन एक उदासीय उच्च क्रियाशील मध्यवर्ती है। इसमें बेंजीन वाले पर एक और ये बॉन्ड उपस्थित हो जाता है। बेंजाइन में उपस्थित त्रिबंध अत्यधिक तनाव युक्त होता है। ये बेंजीन के षटकोणीय ज्यामिति के कारण रेखीय ज्यामिति प्राप्त नहीं कर सकता, अतः इसकी संरचना विकृत एसिटिलीन की तरह होती है। इसमें दो पास पास के जो sp2 कक्षक है समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा ये पाई बंध का निर्माण करते हैं। ये नया बंध कक्षक वलय के पार्श्व में रहता है तथा वलय के ऊपर और नीचे स्थित पाई क्लाउड से इंटररिएक्शन करता है। ये बेंजाइन बॉन्ड बहुत दुर्बल है, ये बहुत क्रियाशील होता है। इसको हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे हमने पहली विधि फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन में ब्रोमोबेंजीन दिया और इस ब्रोमोबेंजीन की प्रबल चार के साथ क्रिया कराने पर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर अमोनिया बन गया, ब्रोमीन निकल गया और यहाँ पर ये दोनों वैलेंसी खाली होकर एक बॉन्ड बनाया, तो ये बेंजाइन हमको प्राप्त हुआ। यहाँ अमाइड आयन द्वारा एक हाइड्रोजन आयन का निष्कासन होने से कार्बन आयन बनता है, यह हाइड्रोजन निकली, कार्बन आयन बना और अमोनिया बन गए। अब यहाँ पर अंदर ही इलेक्ट्रॉन निकल के ये ऋणावेश के रूप में निकल जाता है, तो ये इस तरह से हमको बेंजाइन मूलक या बेंजाइन मध्यवर्ती मिलता है। दूसरा मेथड है इसका एंथेनिलिक अम्ल के ऊष्मीय विघटन से। यह एंथेनिलिक अम्ल है, इसका उसमें विघटन करने पर जब एंथेनिलिक एसिड की यहाँ पर NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर ये कंपाउंड बनता है N2Cl और इसका उसमें विघटन करते हैं तो ये नाइट्रोजन
निकलता है HCl, निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और दोनों वैलेंसी खाली होकर ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से एंथ्रेनिलिक एसिड से भी हम बेंजाइन की रेडिकल बनाते हैं। अब है रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन की अभिक्रिया, पहला डाइमराइजेशन, ये बायफेनिल बनता है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया, OH के साथ फिनॉल बनता है, NH2 के साथ एनिलीन बनता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कार्बेनायन, कार्बोनियम कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो ये सारे हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आने वाले विभिन्न मध्यवर्ती हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश से हम क्या समझते हैं? किसी अणु में परमाणु का औपचारिक आवेश जो है वो क्या है, बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। औपचारिक आवेश के लिए जो सूत्र है वो है हमारा फॉर्मल चार्ज वर्ग संख्या माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस हाफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सूत्र जो है हमारा, ये फॉर्मल चार्ज को निकालने का सूत्र है। तो इसके आधार पर हम किसी भी सूत्र की औपचारिक आवेश की गणना कर सकते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ पे इस फॉर्मल चार्ज को आप देख इसकी इसको समझने के लिए देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन में उदासीन परमाणु वर्ग संख्या क्या है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की वर्ग संख्या एक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस हाइड्रोजन के सूत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जीरो है। फिर हाफ युग्मित इलेक्ट्रॉन दो है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन दो लगा दिए, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या आया आपका, जीरो आया। इसी प्रकार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब में फॉर्मल चार्ज जो है वो जीरो आता है। अब यहाँ पे मीथेन में देखते हैं हम, मीथेन में हमने फॉर्मल चार्ज की गणना, ये मीथेन बनाया आपने, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन दो दो बॉन्ड। अब आप कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालो, कार्बन का ग्रुप नंबर चार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जीरो, हाफ युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर कार्बन पे, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर दो दो चार दो छः दो आठ युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आठ होगा, आठ युग्मित इलेक्ट्रॉन है जो दो से करके चार हो जाएगा, तो चार माइनस चार कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज आपका जीरो आ जाएगा। इसी तरह से आप अमोनिया पे निकालें, अमोनिया पे जब आप निकालते हैं तो अमोनियम आयन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप N के चारों तरफ एक एक H, तो ये अमोनिया है आपका। यहाँ पे सूत्र में थोड़ा ये N लिखना चाहिए था, कार्बन लिख गया, तो ये सूत्र इस तरह से देखो आप, तो ये अमोनिया में आप देखते हैं नाइट्रोजन पे पांच होता है ग्रुप संख्या, आठ इलेक्ट्रॉन है तो प्लस वन आता है, हाइड्रोजन का एक है ग्रुप, जीरो इलेक्ट्रॉन और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अमोनिया का ये फॉर्मल चार्ज प्लस वन आता है। इसी तरह से हम HNO3 का निकालते हैं, ये HNO3 जो सूत्र है इसमें H पर निकालो, तो सबसे पहले इस H पर देखते हैं, वन ग्रुप नंबर, जीरो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू हाफ आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये जीरो आ गया। अब आप ये नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर पाँच, इस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जीरो, और इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन दो दो चार दो, दो इधर दो और चार इधर और दो ऊपर, टोटल आठ, तो यहाँ पर प्लस वन आया, तो नाइट्रोजन पर प्लस वन आ गया। अब ऑक्सीजन, तीन तरह की ऑक्सीजन है, पहली ऑक्सीजन है द्विबंधी ऑक्सीजन, जिस पे छः इलेक्ट्रॉन, छः ग्रुप नंबर, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर की तरफ हैं और चार इलेक्ट्रॉन हाफ, और यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन इसके युग्मित है, तो दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो यहाँ से गए, तो ये आपका द्विबंधी ऑक्सीजन जो है ये वाली उसका हो गया। उपसहसंयोजक बंध वाली ऑक्सीजन, जो ऊपर वाली ऑक्सीजन है उपसहसंयोजक वाली, छः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाफ प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसको आप एक बार वापस देखो, मैं फिर से बता देती हूँ कि जो द्विबंधी ऑक्सीजन है वो ये, जो उपसहसंयोजक वाली ऑक्सीजन है वो ये, तो ये उपसहसंयोजक वाली ऑक्सीजन पर हमने माइनस वन निकाला। अब जो ये सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है तीसरी, इस पर देखेंगे आप क्या आता है, ग्रुप नंबर सिक्स,
दो इलेक्ट्रॉन इधर और दो इलेक्ट्रॉन उधर, चार इलेक्ट्रॉन युग्मित और दो ऊपर और दो नीचे, चार इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, तो यहाँ पे जीरो आया। तो अब हम इनके सबका मिला के जब देखते हैं तो माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो, तो टोटल आपका जनोथ्री पर जीरो आ जाता है। तो इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज की गणना करेंगे। अब आप डाइक्लोरोकार्बिन पे देखें, कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन और इस पर छः छः इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन का बंध बन रहा है। यहाँ पर कार्बन पर औपचारिक आवेश होता है जैसे ग्रुप नंबर चार। अब यहाँ कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक दो तीन चार, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन चार, तो जीरो आ गया। क्लोरीन पे ग्रुप नंबर सात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये छः और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, दो, तो ये आ गया जीरो। तो इस डाइक्लोरोकार्बिन पर का भी फॉर्मल चार्ज जीरो होगा। इसके बाद हम मिथाइल रेडिकल का देखें। मिथाइल रेडिकल में कार्बन का ग्रुप नंबर है आपका चार, कार्बन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, छः युग्मित इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर है एक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जीरो, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन, टोटल जीरो। मिथाइल कार्बोनियम आयन का औपचारिक आवेश, कार्बन पर चार ग्रुप नंबर, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, छः पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक आया, और हाइड्रोजन पर वन ग्रुप नंबर, हाफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये एक आया। PCl5 अणु पर औपचारिक आवेश की गणना हम इस प्रकार से करेंगे। फॉस्फोरस परमाणु पर औपचारिक आवेश, पाँच है आपका ग्रुप नंबर और जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आ गया जीरो। क्लोरीन पर सात है ग्रुप नंबर, छः अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो। PCl5 पे इस तरह से टोटल आवेश आपका जीरो। इसी तरह से आप SO3 पे देखें, SO3 पे क्या है आपका S, इधर दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। सल्फर परमाणु पर छः है ग्रुप नंबर, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आठ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दो आया। द्विबंधी कार्बन ऊपर वाली पर छः ग्रुप नंबर, चार पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो। और दो उपसंयोजक वाली कार्बन है उस पर हम देखते हैं तो छः पेयर्ड ग्रुप नंबर, छः अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, छः और दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल औपचारिक आवेश इसका जीरो आता है। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं इथाइल कार्बन आयन। इथाइल कार्बन आयन में देखिए आप कि CH3 पर ग्रुप नंबर चार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आठ। यहाँ CH2 पे ग्रुप नंबर चार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन छः। और हाइड्रोजन पे ग्रुप नंबर वन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो, तो माइनस वन। तो अब आप इसको सबको जोड़ दीजिए, माइनस वन माइनस वन, तो यहाँ पर जो ये प्रजाति है इस पर माइनस आवेश पाया जाता है। इसी तरह से आप उपसंयोजक बंध से बंधित आइसोसाइनाइड पर देखें तो कार्बन पर चार, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, छः अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, छः पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उपसंयोजन बंध वाली कार्बन पर चार ग्रुप नंबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आठ। नाइट्रोजन पर पांच ग्रुप नंबर, जीरो और आठ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब हम इसका टोटल करते हैं तो फॉर्मल चार्ज जीरो आता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न यौगिकों के फॉर्मल चार्ज की गणना की। तो एक बार हमें आपको फिर से सूत्र बताती हूँ कि फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश के लिए वर्ग संख्या माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस हाफ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम औपचारिक आवेश निकालते हैं। और वर्ग संख्या किसको कहते हैं, संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग नहीं लेते, युग्मित इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इस आधार पर हम औपचारिक आवेश की गणना करते हैं। तो आज का हमने ये टॉपिक औपचारिक आवेश के साथ खत्म करते हैं।